We are doing admission of a partner. We used to have 5 topics under this chapter, but the 5th topic has been deleted from our syllabus, so that we will not be considering, right? So firstly, we learned how to calculate sacrificing ratio. Topic we discussed in detail, right? And with it, we learned how to calculate new ratio. Most of the time, he gives me the new ratio in the question, but in case of your MCQ, he may ask from you how the new ratio is to be calculated and what will be the new ratio. MCQ mein he can ask new ratio. Then what was the second point? Treatment of goodwill. And there was 6 or 7 points. Treatment of goodwill. The new partner is supposed to bring his share of goodwill in cash. And we were passing the entry cash account debited to premium for goodwill, right? And that premium for goodwill we were distributing in the old partners in their, which ratio? In their sacrificing ratio. That's why we computed sacrificing ratio. It means in order to do the second point, I have to depend upon the first point. That's why sacrificing ratio is to be calculated at the first instance, right? Then third, now we are going to proceed. Revaluation. Meaning, abhi batati hu, par fourth pehle likh do. That is distribution of, iske baad ek hi topic reh jayega hamara. Distribution of accumulated profits or losses. What is the meaning of revaluation? The old partners decide to change the value of assets and liabilities. एडमिशन के टाइम पे हमारे पुराने पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि कुछ एसेट्स की वैल्यू हम चेंज करेंगे, कुछ लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या होगी चेंज. एसेट्स की वैल्यू जब चेंज होगी तो हम उसे यही कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. लाइबिलिटीज की वैल्यू जब चेंज होगी तो हम उसे कहते हैं रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज. राइट, सिंपल सा रूल है, आपके गोल्डन रूल्स अप्लाई होंगे. इफ द एसेट इंक्रीजेस, इंक्रीज इन एसेट, विल यू डेबिट और क्रेडिट? अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी आप उसे क्या करोगे, डेबिट के क्रेडिट? Debit, right? If the asset comes down, we will credit it. Relation clear hai? Agar koi asset ki value badhegi to hum use debit karenge, agar kam hogi to hum use credit karenge. Reverse relation batao. Increase in liability, kya karenge? Credit, kyunki uski nature hi credit hoti hai. Then decrease in liability, kya karenge bhai? Debit. Ye char baatein har bache ko aati hoti hai. लेकिन मैंने तो जर्नल एंट्री कंप्लीट करनी है. हाउ द जर्नल एंट्री इज टू बी कंप्लीटेड व्हेन देयर इज रिवैल्यूएशन का मतलब है क्या है, एसेट की वैल्यू किसी की कम होगी किसी की ज्यादा. आई विल बी राइटिंग फ्यू वर्डिंग्स ऑन द बोर्ड एंड देन वी विल पासिंग द जर्नल एंट्री. लेट्स सी वर्डिंग, जरा समझना. वैल्यू ऑफ स्टॉक हैज बीन इंक्रीज्ड by 15,000, right? एक वर्डिंग लिखी है value of building is decreased by 10%, right? एक वर्डिंग लिखी है value of investment increased to 2,50,000. तीनों अलग अलग वर्डिंग्स हैं, ठीक है? अब तीनों का क्या एनालिसिस होगा, क्या इंटरप्रिटेशन होगा, लेट्स सी. फर्स्टली आई विल गिव यू कि स्टॉक की वैल्यू बुक्स में 50,000 है. लेंथी क्वेश्चन में ही विल ऑलवेज गिव यू द बैलेंस शीट. यू विल सी कि स्टॉक की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी है. अब पहले पॉइंट में क्या है, कहता स्टॉक की वैल्यू 15,000 से बढ़ा देना. सिंपल इंग्लिश है बाय. बाय का मतलब क्या, 15,000 से बढ़ा देना. इफ वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टॉक देन वी नीड टू डेबिट इट और क्रेडिट इट. डेबिट अभी तो सिखाया, वी आर इंक्रीजिंग. स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है, स्टॉक की वैल्यू मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, क्या करना है, डेबिट करना है. क्या एंट्री करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड. स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू, इसके लिए एक स्पेशल अकाउंट खोलते हैं
जिसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब मैं यहीं पे रुकूंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट और इट्स नेचर इज अ नॉमिनल अकाउंट। इट इज टू बी ओपन्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, व्हेनेवर द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज गेट्स चेंज्ड। आई एम रिपीटिंग, एक ऐसा अकाउंट है जिसकी नेचर नॉमिनल अकाउंट है। मतलब नॉमिनल अकाउंट है तो इसका एंड में रिजल्ट प्रॉफिट और लॉस निकलेगा, राइट? एंड दिस इज टू बी ओपन्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। तीनों केसेस में ओपन होता है क्योंकि तीनों केसेस में एसेट्स की वैल्यू बढ़ती या कम होती है, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती या कम होती है, ठीक है? सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। गॉट इट? स्टॉक हैज बीन इंक्रीज्ड। इफ द स्टॉक हैज बीन इंक्रीज्ड, वी आर सपोज्ड टू डेबिट इट। हमें उसे क्या करना है? डेबिट करना है। और एसेट की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम क्या, कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ द क्वेश्चन अराइज़ेस, कौन सी अमाउंट से करूं एंट्री? 50 से कि 15 से? 15 से, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू 15,000 से बड़ी है। अब और एक बात आपको जो माइंड में रखनी है, ये तो बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है, एडमिशन के बाद वो कहता है नई बैलेंस शीट बनाओ। तो नई बैलेंस शीट में अब आपकी स्टॉक की वैल्यू 50 नहीं होगी, 65 होगी, क्योंकि उसने कहा 15,000 से बढ़ा देना। इस एंट्री का इंपैक्ट बैलेंस शीट पे पड़ेगा। और रीवैल्यूएशन अकाउंट जब मैं लेजर अकाउंट बनाऊंगी, कौन से साइड पे स्टॉक लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, बाय स्टॉक। लेजर पोस्टिंग आती है ना, स्टॉक का अकाउंट नहीं पूछता। रीवैल्यूएशन अकाउंट की प्रेपरेशन हमारे सिलेबस में है, तो एक रूल बन गया, एसेट का बढ़ना क्रेडिट साइड पे आना है रीवैल्यूएशन में, और एसेट का कम होना डेबिट साइड पे आना, रिवर्स होना। गेटिंग इट? एनी डाउट टू एनीवन? तो 15,000 से दिस एंट्री वी विल पास। 15,000 is to be debited, 15,000 is to be credited. What is the interpretation of this? Building is given in the question 3 lakh. 3 lakh ki building hai, ek tarah se depreciation hi hai. Kisi bhi asset ki value agar down karni hai aur percentage de rakhi hai, means depreciation hai. Means asset ki value down karni hai. Asset ki value down karne ka matlab credit karun ke debit? Debit karun ke credit? Credit. Entry banegi revaluation account debited to building account. Revaluation account debited to building account. With what amount? You tell. Yes, बिल्कुल ठीक। 3 lakh का 10%, so it comes to me 30,000. Any doubt to anyone? Narration: being building reduced by 10% or being building decreased by 10%. Any doubt to anyone? So on which side you will post it? On which side you will post it? Debit side. Asset का कम होना debit side पे आएगा, asset का बढ़ना credit side पे आएगा। कौन से account के? Revaluation account, right? चले तीसरी interpretation. Already investment की value 220 है भाई, what to do? Already investment की value 220 है, क्या meaning? Yes. इसका मतलब है 2,20,000 वाली चीज को 2,50,000 पे ले आओ, नॉट बाय। बाय का मतलब है उसी वैल्यू से बढ़ाओ। जब टू वर्डिंग है तो डिफरेंस से बढ़ाओ, सिंपल इंग्लिश। 2,20,000 की कोई चीज है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अब कहता मैंने वैल्यू कितनी कर देनी है? 2,50,000। सो विद व्हाट अमाउंट वी आर इंक्रीजिंग इट? 30,000 इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट इज टू बी डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट विद हाउ मच अमाउंट? दैट इज 30,000। बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय 30,000। बस तीन वर्डिंग में लिख दोगे वर्ड्स में तो भी ठीक है। नरेशन, बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड, दैट्स इट। कितनी अमाउंट से हुआ वो नरेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, हमारी एंट्री विल शो टू द एग्जामिनर। एनी डाउट टू एनीवन? सो दिस ऑल वॉज about change in the value of assets. Let's proceed to the values of liabilities, right? यहां तक किसी को कुछ पूछना? हर एंट्री के पीछे लॉजिक क्लियर है सबको? एसेट का बढ़ना इज टू बी, एसेट का बढ़ना इज टू बी डेबिटेड, एसेट का कम होना इज टू बी, लाइबिलिटीज का बढ़ना इज टू बी, गुड। लाइबिलिटीज का बढ़ना क्रेडिटेड है, एसेट का बढ़ना डेबिटेड है, गुड। Let's see next.
वर्डिंग देखना, क्रेडिटर्स ऑफ रुपीस, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स ऑफ रुपीस 5000 आर नाउ नॉट टू बी पेड। क्या मतलब है इस लाइन का? 5000 के क्रेडिटर्स को पे करने की जरूरत नहीं है, मींस 5000 से मेरी लाइबिलिटी डाउन आ गई और आपके बुक्स में क्रेडिटर्स 17000 के हैं। दिस इज द वैल्यू गिवन इन योर बैलेंस शीट। 5000 अब पे करने की जरूरत नहीं है, मींस मैं 12 ही पे करूंगी। मतलब क्रेडिटर्स ने मेरे को बैठे बैठे डिस्काउंट दे दिया। जब डिस्काउंट दे दिया तो क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या आ गई? डाउन। किसी भी लाइबिलिटी की वैल्यू डाउन आएगी तो क्या करना है? स्पीक लाउडली, क्रेडिटर्स आर टू बी डेबिटेड, लाइबिलिटी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय डेबिटिंग इट, लाइबिलिटीज आर टू बी रिड्यूस्ड बाय डेबिटिंग इट। व्हाट विल बी द एंट्री? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड, बोलो यस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट विद रुपीस, विद रुपीस नॉट 17 5000। डन। Now we will learn how this ledger account is to be prepared. दो चार और illustrations होंगी इसकी, वो हम लोग देख लेंगे जब ही हमारी बुक में आएगा। आपको concept clear होना। Liability की value अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? Reverse entry, revaluation account debited to, like वो बोलता है salary outstanding is now to be provided for. What is the meaning of salary outstanding is now to be provided for? Means अब हमें पुराने वाली liabilities की payment करनी है और outstanding liabilities always are current liability, right? एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग इज नाउ प्रोवाइडेड फॉर, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग नाउ प्रोवाइडेड फॉर, मींस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। एनी डाउट? चलिए जी, लेट्स प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत सारे केसेस हैं बुक में जो हाईलाइट से आई डिस्कस विद माई इमेजिनरी एग्जाम्पल्स। टी शेप लेजर अकाउंट है, वही लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, write down the headings, write down the side's name, debit, credit. So this is particulars, this is amount, particulars, amount. चलो जी एक rule बनाते हैं, asset का कम होना इस तरफ, तो मैं क्या लिखूं? To decrease in asset, decrease ही आना ना इधर, अभी सिखाया ना, टू डिक्रीज इन एसेट, टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी उलट। क्लियर है? कोई भी एसेट कम होगा तो इस तरफ आएगा, लाइक टू स्टॉक, लाइक टू इन्वेस्टमेंट, लाइक टू बिल्डिंग, लाइक टू प्लांट एंड मशीनरी, राइट? अगर डिक्रीज इधर आया है तो इस तरफ क्या आएगा? बाय इंक्रीज इन एसेट। अगर लाइबिलिटी का इंक्रीज इस तरफ आया है तो डिक्रीज इस तरफ आएगा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। नाउ नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट और इनकम्स एंड डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। अब मेरे को बताना सोच के, जब किसी लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, हमारा फायदा है कि नुकसान? यू टेल। जब किसी लाइबिलिटी की वैल्यू, जैसे 5000 वो कहता मेरे को मत पे करना, इट इज माई डिस्काउंट ना, डिस्काउंट रिसीव्ड, इज इट माई बेनिफिट और लॉस? ऑल बेनिफिट आर बींग क्रेडिटेड, एम आई राइट? By increase in asset, किसी asset की value पड़े पड़े बढ़ गई, फायदा है कि नुकसान? Again, all benefits are being credited. If credit side will be more than debit side, means incomes will be more than losses. ये losses हैं। Decrease in asset, पड़ी पड़ी asset की value down, मेरे को नुकसान? पड़ी पड़ी asset की liability की value बढ़ना, मेरा नुकसान? ठीक है? तो अगर income side बड़ी है, किससे? Losses से, तो क्या होगा? Profit होगा। अगर लॉसेस और एक्सपेंसेस वाली साइड बड़ी है इनकम वाली साइड से, तो लॉस हो। इफ दिस साइड इज ग्रेटर तो प्रॉफिट विल बी देयर। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। नए पार्टनर को इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं मिलनी भाई। और कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, बिकॉज बेसिकली वी आर डूइंग एडमिशन ना, and this account we are preparing before admission, you can say. हम नए पार्टनर को इसमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं देंगे। Similarly, या तो profit होगा या loss होगा। Loss is also to be divided between the old partners.
लिख देंगे बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल, मान लो दो पुराने पार्टनर हैं, अगर प्रॉफिट है तो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल इन विच रेशियो इन देयर ओल्ड रेशियो, सो हियर इट कम्स टू एन एंड, दैट्स इट, दिस इज द वे, वेरी सिंपल। तीन नंबर फ्री में है, आठ नंबर का अगर सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन आता है तो थ्री मार्क्स इज ऑफ फ्री वैल्यूएशन, राइट। पांच नंबर वो कैपिटल अकाउंट अब आता नहीं है, पांच नंबर या चार चार नंबर का कर सकता है, या जर्नल एंट्रीज में पूछेगा, पूरे चैप्टर में से लेजर अकाउंट और जर्नल एंट्रीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटी, इधर बोलो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, तो एंट्रीज तो वी कैन मेक। प्रॉफिट की एंट्री बताओ क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये देखो बनी एंट्री। प्रॉफिट का, प्रॉफिट के बारे में नरेशन में लिखना, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। लॉस की एंट्री बोलो, नो नो यस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, यहां पे बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखना ना, अब लॉस ना, लॉस यू कैन राइट इन ब्रैकेट, अब ठीक है, टू रिवैल्यूएशन बस, हाँ यही करना है, इधर आना रिवैल्यूएशन टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, नरेशन में लिखेंगे लॉस, इधर नरेशन में लिखेंगे प्रॉफिट, डन। चले आगे, लेट्स सी द इलस्ट्रेशंस रिलेटेड टू इट। हु विल टेल मी द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, यस इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट्स नॉट अ पर्सनल अकाउंट, बिकॉज एनी अकाउंट इफ दैट इज शोइंग प्रॉफिट और लॉस एज अ बैलेंसिंग फिगर, तो डेफिनेटली इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, सो नेचर शुड बी ऑन योर टिप्स। नाउ व्हाट योर बुक इज राइटिंग, लेट मी रीड, यस, अनदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, समटाइम्स ही हिमसेल्फ कॉल्स इट इन द क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन को कभी कभार वो बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बट मोस्ट कॉमन नेम इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि रिवैल्यूएशन नहीं पूछा, P&L एडजस्टमेंट पूछ लिया है, डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट इट। उसने फॉर्मेट बनाया, जर्नल एंट्रीज मेरी तरह ही करी, सीधा आ जाओ 36 और 37th इलस्ट्रेशन पे, कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशंस, मैक्सिमम टिपिकल आएंगी तो 37th जैसी आएगी, ठीक है, अगर जर्नल एंट्री की आएगी, न्यू एडिशन 36th एंड 37th इलस्ट्रेशन, पेज नंबर 5.32, ओपन योर बुक्स एवरीवन, अनमोल बुक नहीं लेके आए आप, अब तो शेयरिंग भी नहीं होनी, बुक लेके आया करो अपनी बच्चे, पढ़ो जी, पहले मैं फॉर्मेट बनाऊं जर्नल का, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 36, दिस इज फॉर लेजर फोलियो, दिस इज फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। डेट का कॉलम आमतौर पे पार्टनरशिप में ब्लैंक ही रहता है, सो दैट कॉलम वी कैन we have to make, but that we can make leave vacant, right, or that we can use for serial number, done, this is rate, sara kuch theek hona to examiner kehta full maine fir bhi nahi dene, dekhna hai galti kya nikalo, to galti ye ho sakti hai aapne format miss kiya ho sakta hai, galti ye ho sakti hai aapne narration nahi banayi ho, theek hai na, question sara theek hone ke bavajood bhi ek date number wo kaatne ka haqdar hai agar aapne format nahi banaya, agar aapne narration nahi likhi, so be particular when you attempt the question, specially in your plus 2 class, this is particulars, this is ledger folio, main hamesha top pe amount likhwaya karti hu, plus 1 ka agar aapko yaad ho, this is for debit, this is for credit, right, upar amount mein kya likhenge, in ra, matlab in rupees, done with, aapke sath discuss karke baat karenge bhai, unrecorded investment exists of rupees 5000, hence it is to be accounted, means pehle investment ki value zero thi, अब मैं उसे 5000 पे रिकॉर्ड कर रही हूं, मींस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, अनरिकॉर्डेड का मतलब ऑलरेडी यू स्किप्ड टू रिकॉर्ड इट, बेसिकली ये ओमिशन की एंट्री है, आपने पहले रिकॉर्ड ही नहीं किया तो अब कर देते हैं, अब कर देते हैं तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करूं कि क्रेडिट, यू टेल डेबिट, बिकॉज वी हैव टू इंक्रीज फ्रॉम 0 to 5000, अर्लियर यू हैव नॉट एंटर्ड इट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अर्लियर यू हैव नॉट रिकॉर्डेड इट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट, when we are going to record it, we are supposed to debit it, investment account debited to revaluation account, done, so this is with 5000,
बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स नाउ रिकॉर्डेड, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, बीइंग इन्वेस्टमेंट अर्लियर अनरिकॉर्डेड नाउ रिकॉर्डेड या नाउ एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो उसने नरेशन क्या लिखी, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, आप भी ऐसे लिख सकते हो तीन या चार वर्ड्स में, बीइंग इन्वेस्टमेंट नाउ रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ठीक है। सेकेंड पे आओ, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज टूवर्ड्स सप्लायर्स, क्या मतलब है इसका समय, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज टूवर्ड्स सप्लायर्स, हिंदी में मीनिंग बताओ। बिल्कुल ठीक, सप्लायर मींस माय क्रेडिटर्स, ठीक है, मैंने उनको पेमेंट देनी थी पर मैंने रिकॉर्ड नहीं करी तो अब कर देते हैं, मींस लाइबिलिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, बढ़ रही है। जब कभी भी लाइबिलिटी बढ़ानी है तो उसे क्रेडिट करना है भाई, ठीक है। तो क्या लिखें एंट्री, क्या लिखें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर्स लिख दो या टू क्रेडिटर्स लिख दो, दोनों ठीक है, ठीक है। सप्लायर्स बेसिकली आर माय क्रेडिटर्स, अगर आप सप्लायर भी लिख देते हैं तो गलत नहीं होगा। बीइंग पेमेंट ड्यू टू सप्लायर्स नाउ रिकॉर्डेड, पेमेंट ड्यू है ना, वी आर सपोज टू पे टू आवर सप्लायर्स, बीइंग पेमेंट ड्यू टू सप्लायर्स नाउ रिकॉर्डेड, ओके। हु विल टेल मी, अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रही होती तो फर्स्ट एंट्री कौन सी साइड पे आती है अभिषेक, डेबिट साइड के क्रेडिट साइड, अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रही होती तो कौन सी साइड पे आती, ऊंचा बोलो, क्या लिखते हैं क्रेडिट साइड पे, बाय क्या, बाय रिवैल्यूएशन, वेरी गुड, बाय इन्वेस्टमेंट लिखना था, गुड। अगली एंट्री की पोस्टिंग बताओ लक्षित, आप लक्षित, हाँ मैंने एंट्री तो ये लिखी है, अच्छा आप अगली पढ़ रहे हो थर्ड, इसकी पोस्टिंग बताओ कौन से साइड पे, बिल्कुल ठीक है, क्रेडिटर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे, टू क्रेडिटर्स। अगला पढ़ते हैं भाई, अगले का मीनिंग समझो पहले, अ न्यू थिंग फॉर यू वंस अगेन, अ क्रेडिटर ऑफ रुपीज 600 विल नॉट बी क्लेम्ड, हेंस इज टू बी रिटर्न बैक, 600 के क्रेडिटर्स ने अब मेरे से वो 600 नहीं लेना, मतलब मेरे को छोड़ दिया, मींस बैठे बैठे मेरे को डिस्काउंट मिला मेरे क्रेडिटर्स से, मींस लायबिलिटी कम। आई एम रिपीटिंग, क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 600 इज नाउ नॉट टू बी पेड, हेंस इट इज टू बी रिटर्न बैक, रिटर्न बैक मींस इसे रिवर्स कर दो, उल्टा दो, उल्टाने का मतलब क्या है, क्रेडिटर्स को डेबिट कर दो, वैसे इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग क्रेडिटर्स रिटर्न बैक, दैट्स इट। कौन सी साइड पे लिखेंगे वंशिका इसे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की, हाँ बाय वाली साइड पे लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स, बट ही इज नॉट आस्किंग फ्रॉम अस द प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। C37 read it, all the 11 points are very very important from examination point of view as well, inke bare mein mcq hai, kya banega, which account is to be debited and by which amount, which account is to be credited, theek hai, how it is to be shown in the revaluation account, on which side this is to be shown on the revaluation account, by what amount it is to be shown in the revaluation account, like that way entries ke upar bhi mcq bante, chale aage 37 पढ़ना शुरू करो, आप मेक अप योर माइंड व्हाट एंट्री वी विल पास, लेट्स बिगिन विद फर्स्ट पॉइंट, राइट, पढ़ो जी, दमन पढ़ा करो आप साथ साथ। पहली कहानी उसने सिर्फ मेरे को एक इन्फॉर्मेशन दी है कि हमारे पास पार्टनर थे लीना एंड रोहित, मनोज हैज बीन एडमिटेड, लीना और रोहित की पुरानी शेयरिंग दे रखी है, हो सकता है वो प्रॉफिट और लॉस हमें बांटने को बोले। चलिए जी स्टार्ट करते हैं प्रथम से, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000, व्हाट इट मींस टू, बिल्कुल ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, जब कभी भी एसेट की वैल्यू बढ़ानी है तो उसे डेबिट करना,
सो फर्स्ट एंट्री इज वेरी इजी, बाय का मतलब उसी अमाउंट से, टू का मतलब डिफरेंस से. सारी पार्टनरशिप में ये बाय और टू का डाउट रहता है बच्चों को, मैं पहले दिन से बताना शुरू करती हूँ. टू का मतलब यू हैव टू ब्रिंग दैट एसेट वैल्यू टू दैट पर्टिकुलर अमाउंट, यू नीड टू टेक डिफरेंस, राइट. बाय का मतलब विद दैट अमाउंट, गिवन अमाउंट से ही करना है. सो यहाँ पे बाय वर्ड है. फर्नीचर इज टू बी डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो दिस विल कम विद रुपीज 10,000 बीइंग, मोहित बोलो, नरेशन बोलो, बीइंग, बस इतना ही लिखना है, बीइंग द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज, दैट्स इट. अमाउंट नहीं लिखनी क्योंकि अमाउंट हमने एंट्री में लिख दी है. नरेशन लिखना आपकी अपनी ड्यूटी है. रीड नेक्स्ट, अगला पढ़ो. वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज टू 40,000, ऑलरेडी बुक वैल्यू 20,000 थी. चलो अनमोल, पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 20,000 वैल्यू है, कहता अब 40,000 करनी है. हाँ नहीं, हाँ एंट्री बोलो, एंट्री फर्नीचर को बढ़ाना है 20 से 40 पे लेके आना. हाँ रुक गई, हिंट है, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ानी है. गलत अनमोल, आप हमेशा गलत सोच रहे हो, आपने एक बार मन में सोचा ही नहीं कि फर्नीचर की वैल्यू बढ़ानी है. प्रॉफिट लॉस नहीं, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ानी है, मीन्स एसेट की वैल्यू बढ़ानी है. एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, उसे डेबिट करना है कि क्रेडिट. अकाउंट से ना सोचो, गलत कर रहे हो आप. एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट होगी कि क्रेडिट, आपने ये बोल, क्रेडिट होगी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी. हाँ डेबिट होगी, आएगी पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे, लेकिन फर्नीचर एंट्री में डेबिट होगा. तो यू आर कंफ्यूजिंग, आना क्रेडिट साइड पे, वो आप ठीक सोच रहे हो, लेकिन एसेट डेबिट होगा, राइट. सो एंट्री क्या बनेगी, पहले जैसे बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड. समझ आ गया सबको, 20,000 से वैल्यू 40 पे लेके आनी है, ठीक है. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, डिफरेंस किया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000. Being value of furniture increased by 20,000 लिखने की जरूरत नहीं है. Come to next. Who wrote Ruchika? Revaluation to furniture is a wrong entry. It's furniture to revaluation, Ruchika. Asset is being increased. Third पे आओ. वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू, 100 वाली चीज 120% पे लेके आनी है. बढ़ाना है कि कम करना है, बढ़ाना है. ऑलरेडी कितने का फर्नीचर है, 50,000 का. 50,000 का 120% करोगे, 50,000 का 120% किया तो 60,000, ठीक है. यू आर गेटिंग मी, 100 वाली चीज 120 पे लेके आनी है, डिफरेंस से कर लो. 50,000 का 20% बढ़ा लो, 10,000 बढ़ेगा, एंट्री भी 10,000 से आई. या मैंने क्या से किया, 50,000 का 120% निकाला तो 60,000 आया. ऑलरेडी वैल्यू कितनी है, 50, 10,000 से बढ़ रहा है ना. तो किसी भी तरह से आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो. आई एम रिपीटिंग, वैल्यू ऑफ रुपीज 70,000 इन्वेस्टमेंट इज टू बी ब्रॉट एट 110%. व्हाट इट मींस, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 70,000 इज टू बी ब्रॉट एट 110%. 70,000 का 110% निकाला, 77,000 आया. 70,000 वाली इन्वेस्टमेंट अब 77,000 क्यों नहीं है, तो 7,000 से बढ़ाएंगे भाई. Am I right? That is my example. But hereby he is increasing it to the extent of 20%, or he is bringing it at 120%. तो इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ी, अनुष्का कितने से बढ़ी? Yes, 10,000 से. एंट्री बोलो आप ही. फर्नीचर थोड़ी ना अब इन्वेस्टमेंट है. गुड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, फर्नीचर ही है. अच्छा, मैंने इन्वेस्टमेंट कहां से पढ़ा, फिर फर्नीचर ही है जी, ठीक है, शी इज राइट. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. 10,000 कैसे आया पता चल गया,
दैट इज विथ 10,000. रीड नेक्स्ट नेक्स्ट टर्न वंशिका आपकी है. लेट मी रीड इट फॉर यू फर्स्ट. देखो जी लास्ट वाली देखिए. लास्ट मतलब फोर्थ. यस स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%. हियर वी नीड टू अप्लाई आवर माइंड. पहले तो ध्यान से देखो 18,000 वैल्यू है स्टॉक की. ध्यान से देखना कहता है अंडर वैल्यूड है बाय 10%. मीन्स 100 वाली चीज को आपने 90 पे रिकॉर्ड किया हो, 100 वाली चीज को आपने 90 पे रिकॉर्ड किया. अंडर वैल्यूड का मतलब आपने इसकी वैल्यू कम रखी है. मीन्स जो 18,000 वैल्यू है वो 90 के पीछे, 90 के पीछे है. आई विल ब्रॉट इट टू द ग्रॉस. मैं उसे 100 पे लेके आऊंगी. मीन्स वैल्यू होनी चाहिए थी स्टॉक की 20,000, आप 18 पे लिख के बैठे हो. सिर्फ एक बात करने का ढंग है उसका. मान लो ये ओवर वैल्यूड कहता तो इट मीन्स कि ओवर वैल्यूड है तो 110 है. आपने 100 वाली चीज को 110 पे रिकॉर्ड किया. क्यों? स्टॉक इज ऑलवेज टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट भाई. हमारा अकाउंट्स का रूल है, कंजर्वेटिज्म हमें ये कहता है ना हमें कम दिखाना है ना ज्यादा दिखाना है. ठीक है. सो ही वॉज वैल्यूइंग इट एट 10% लेस देन द कॉस्ट. ही वॉज अंडर वैल्यूइंग इट. तो अंडर वैल्यूएशन वाले को मैंने अप करना है, ओवर वैल्यूएशन वाले को मैंने डाउन करना है. अब स्टॉक को अप करना है वंशिका, क्या करूं? बिल्कुल ठीक. स्टॉक टू रिवैल्यू. स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट बोलिए 2000. 18,000 हमारी पहले वैल्यू थी, हमने खुद निकाली 100 के पीछे, क्योंकि 18 जो थी वो 90 के पीछे थी, मींस 90 के पीछे थी. मैंने उसे 100 पे लेके आना है. सीधा जो बच्चे ऐसा सोचेंगे कि मैम 100 पे लेके आना तो 18,000 का 10% कर दो, गलत है. मैथ्स का रूल क्या कहता है? दैट 18,000 इज बियॉन्ड 90. हाउ कैन आई टेक इट एज 100? 100 तो मैंने लेके आना. सो 18,000 इज टू बी डिवाइडेड विद 90 एंड इज टू बी मल्टीप्लाइड ईदर विद 10 और विद 100. अगर 10 से करेंगे तो सीधा अमाउंट आ जाएगी 2000. अगर 100 से करेंगे तो 20,000 वैल्यू आएगी, फिर डिफरेंस से करोगे. दोनों क्राइटेरिया क्लियर होने चाहिए आपको. एनी वे यू कैन कैलकुलेट. ठीक है. सो हियर बाय आई विल बी राइटिंग 2000. रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल कंटिन्यू बाय टुमारो. राइट. एनी डाउट टू एनीवन यू मे आस्क. एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट.